हेलो दोस्तों, मैं संजीव स्मार्ट कार से, और आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो वैगनार अपने पास आई है। 2018 मॉडल VXI टॉप मॉडल है, जिसमें स्टॉक स्टीरियो ये वाला लग के आता है। तो सबसे पहले हम इसे अपग्रेड करेंगे। इसमें हम लगाएंगे आज एंड्रॉयड 9 इंची एंड्रॉयड विद फ्रेम के साथ, एंड इसके स्पीकर भी अपग्रेड करेंगे। जो स्पीकर आप देख सकते हैं, स्पीकर हमारे कंपनी के साथ के स्टॉक स्पीकर हैं, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल हल्के होते हैं, जो हम हमसे प्ले नहीं कर सकते। तो इसके चारों डोर में हम देख सकते हैं स्टॉक के स्पीकर लगे हुए हैं। तो ये चारों स्पीकर हम अपग्रेड करेंगे, और पहले से ऑलरेडी इनका ये एम्पलीफायर और ये वाली बेस ट्यूब लगी हुई है, तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। भाइयों, जैसा हम देख सकते हैं, मारुति के साथ जो हमारे स्पीकर आते हैं वो ये आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी और स्पीकर देख सकते हैं आप। ये चारों स्पीकर इसके हमने रिमूव कर दिए, हटा दिए चारों स्पीकर, और ये स्पीकर आते हैं इसके साथ के, जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं चारों की। ये वाले स्पीकर है, तो आप हम इसमें करने जा रहे स्पीकर अपग्रेड। भाइयों, इसमें सबसे पहले तो हम ये पैनासाउंड का एंड्रॉयड लगाने वाले हैं, जो कि अपना यूनिवर्सल एंड्रॉयड है, और ये अपना 216 वेरिएंट में है। जैसा कि देख सकते हैं अपना ये एंड्रॉयड हम लगाने जा रहे हैं, इसके अंदर पैनासाउंड का एंड्रॉयड है। और डोर स्पीकर की बात करें तो डोर में हम एवेटार का ये MTU-61LE मिड रेंज स्पीकर है, काफ़ी अच्छे स्पीकर है, 300 वॉट पावर के स्पीकर है, बहुत बढ़िया स्पीकर है। तो ये अपने दो सेट स्पीकर रहने वाले। और एम की बात करें तो हम इसमें ये बोस्टिक ऑडियो का एम्प लगा रहे हैं, BOS-100D, बहुत बढ़िया एम्प है, जो कि आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट साइज का अच्छा एम्प है, एंट्री लेवल का एम्प है, काफ़ी अच्छा एम्प है, काफ़ी बढ़िया एम्प है। और बूफर ही हम लगा रहे हैं, वो हैंडमेड बूफर है, देख सकते हैं आप बूफर की क्वालिटी, जो बूफर रहने वाली है अपनी। और इसके साथ ये बैंड पास लगाएंगे। तो ये सारा सिस्टम गाड़ी में लगेगा, तो चलिए करते फिटिंग, उसके बाद आपको फाइनल चेक कराता हूँ। तो सारा सामान आ गया अपना, और एंड्रॉयड जो अपना सारा आएगा, कपलर टू कपलर होगा एंड्रॉयड, और इसके साथ एंड्रॉयड के साथ ये अलग से फ्रेम आता है, ये फ्रेम भी हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। एवेटार की अगर हम मिड की बात करें, तो एवेटार के मिड की अगर हम बात करें, तो मिड की बिल्ड क्वालिटी आपको जो देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं वो बहुत ही बेहतरीन स्पीकर है, मिड रेंज के सेगमेंट में बहुत ही प्रीमियम स्पीकर है, और प्राइस भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत बढ़िया स्पीकर्स है। 4 ओम्स के स्पीकर है, और पेपर कोन के स्पीकर जो होते हैं, बहुत बढ़िया स्पीकर होते हैं, और मिड की क्वालिटी आप देख सकते हैं इसकी। दोस्तों, स्पीकर की फिटिंग हो चुकी है कंप्लीट, जैसा कि आप देख सकते हैं स्पीकर हमारे कंप्लीट हो चुकी है फिटिंग, और इसमें अभी हम डैम्पिंग नहीं कर रहे, नेक्स्ट राउंड में इसमें डैम्पिंग करेंगे हम। और डैम्पिंग ना करने का रीज़न है, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि डैम्पिंग हम क्यों नहीं कर रहे। और एंड्रॉयड की आप देख सकते हैं फिटिंग होगी, अभी कंप्लीट फिटिंग नहीं हुई है, और ये सारा अभी लगना बाकी है, और स्पीकर हमारे चारों हो चुके हैं कंप्लीट। भाइयों, डैम्पिंग ना करने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे भैया की गाड़ी में ये जो देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे डेंट्स हैं, तो फिलहाल डेंट का काम अभी पेंडिंग है, तो डेंट पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर इसमें हम डैम्पिंग करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी में भी छोटे मोटे डेंट्स हैं, तो इसमें डेंट पेंट पे जानी है गाड़ी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी हो चुकी कंप्लीट फिटिंग, और एंड्रॉयड लगने के बाद आप गाड़ी में लुक चेक कर सकते हैं कितनी बढ़िया लुक आ रही है। और आप रियर की बात करें तो रियर में आप देख सकते हैं कहीं से कोई वायरिंग विजिबल नहीं है, और ना तो आपको एम्प देखने को मिलेगा और ना तो कोई वायरिंग देखने को मिलेगी आपको। नीट एंड क्लीन सारी फिटिंग हुई है, और पीछे बैक सीट पे भी आप देख सकते हैं कहीं कोई वायरिंग नहीं है, कहीं कोई एम्पलीफायर नहीं है, कहीं से कोई वायरिंग आपको विजिबल होते हुए नहीं दिखेगी। दोस्तों फाइनल बारी आती है अब आपको आउटपुट चेक कराई जाए, तो NCS में आपको साउंड की आउटपुट चेक कराते हैं और चेक करते हैं आउटपुट कैसी आ रही है। और अगर हम एम की प्लेसमेंट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं रियर सीट के नीचे हमने दोनों एम्पलीफायर की प्लेसमेंट करी है, मोनो की और फोर चैनल की। दोनों एम्पलीफायर की प्लेसमेंट हमने रियर सीट के नीचे करी है।